नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु सुनील। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकित गुज्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में अंकित गुज्जर मृत पाया गया है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, गैंगस्टर अंकित गुज्जर के शव को अब दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा और वक्त का भी पता लगाया जाएगा। आपको बता दें कि परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि अंकित गुज्जर का मर्डर किया गया है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई है। अंकित गुज्जर पर मर्डर के आरोप मकोका के तहत केस दर्ज थे। उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि अंकित गुज्जर दिल्ली और वेस्ट यूपी क्षेत्र का इनामी बदमाश था, जिस पर करीब 125,000 रुपये का इनाम घोषित था। अभी हाल ही में अंकित गुज्जर ने एक अन्य गैंगस्टर रोहित चौधरी के साथ हाथ मिलाया था, जिसके बाद गुज्जर चौधरी गैंग बनाया गया था। गौरतलब है कि दोनों गैंगस्टर मिलकर साउथ दिल्ली इलाके में अपना वर्चस्व बना रहे थे, लेकिन इस बीच अंकित गुज्जर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था और आज तिहाड़ में उसके मृत पाए जाने की खबर है। इस खबर फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।